गुड इवनिंग व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विलियम मेकपीस टेकरे एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू विलियम मेकपीस टेकरे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, पहला जो यहाँ पे पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इससे पहले मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन एटलीस्ट 24 to 25 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, तो उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो इनका देना चाहूँगा। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1811 को इनका जन्म हुआ था, और 1863 में इनकी डेथ हो जाती है। यानी कि बात करूँ तो 18 जुलाई, ही वॉज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1811 एंड ही डाइड ऑन 24 दिसंबर 1863। और 1811 में इनका जन्म हुआ था, और 1812 की बात करें तो 1812 में किनका जन्म हुआ था? रॉबर्ट ब्रॉनिंग का, जो कि विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, और ये भी विक्टोरियन एज से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। और 1812 में ही चार्ल्स डिकिन्स का भी जन्म हुआ था। चार्ल्स डिकिन्स 1812 से 1870 तक इनका लाइफ स्पेन है, 1812 to 1870 तक। और बात करें अगर रॉबर्ट ब्रॉनिंग की, तो रॉबर्ट ब्रॉनिंग 1812 to 1889 तक इनका लाइफ स्पेन है। और अगर इनसे एक साल पहले की बात कर लें, तो यहाँ पे एलिजाबेथ गैस्किल करके 1810 to 1865 उनका लाइफ स्पेन है। और अगर 89 में आ जाएं, तो 1809 to 1892 तक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज बोल सकते हैं, तो उनका लाइफ स्पेन है 1809 to 1892 तक, ठीक है। तो ये थी कुछ लाइफ स्पेन से रिलेटेड बातें। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहेंगे। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया यानी कि उस टाइम कलकत्ता, कलकत्ता जिसको उस टाइम कलकत्ता बोला जाता था, ठीक है। तो उस टाइम इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, ही वॉज बोर्न इन कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया। ही वॉज अ ब्रिटिश नोवलिस्ट, ऑथर एंड इलस्ट्रेटर। और इनके फादर के बारे में बात करें, इनके पेरेंट्स के बारे में बताऊँ, तो इनके फादर का नाम था रिचमंड करके इनके फादर का नाम था, जो कि सेक्रेटरी के पद पे थे, कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी में। हिज फादर रिचमंड ठेकरे वॉज सेक्रेटरी टू द बोर्ड ऑफ रेवन्यू, बोर्ड ऑफ रेवन्यू में सेक्रेटरी के पद पे, यानी कि इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बोर्ड ऑफ रेवन्यू था उसमें सेक्रेटरी के पद पे थे इनकी पिताजी। और इनकी माता जी का नाम एन बेकर बोलें या बेचर बोलें, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, तो मैं तो यहाँ पे बेकर बोल रहा हूँ। तो इनकी जो माता जी थी एन बेकर, वो क्या थी? वो भी एक सेक्रेटरी थी। एन बेकर वॉज ऑल्सो अ सेक्रेटरी, और इसके अतिरिक्त राइटर भी थी, सेक्रेटरी फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब बात करें 1815 में जब इनके पिताजी की डेथ हो जाती है, 1815 में जब इनके पिताजी की डेथ हो जाती है, रिचमंड डाइड इन 1815 विच कॉज्ड एन टू सेंड हर सन टू इंग्लैंड, जिसके कारण इनकी माता जी एन ने क्या किया, इनको भेज दिया कहाँ? इंग्लैंड। ये कलकत्ता में रहते थे उससे पहले, इनकी माता जी ने इनको भेज दिया था इंग्लैंड 1815 में, दैट सेम ईयर उसी साल, वाइल सी रिमेंड इन इंडिया, जबकि वो कहाँ पे रही? इंडिया में ही रही, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनसे रिलेटेड। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्राइमरली किस पे काम किया? वर्कड फॉर फ्रेजर मैगजीन्स, फ्रेजर मैगजीन्स के लिए इन्होंने काम किया, फ्रेजर्स मैगजीन के लिए इन्होंने काम किया। और इसके अतिरिक्त और बताऊँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ और, तो इन्होंने इसके अतिरिक्त जो बात करें, तो ये कौन से दो मैगजीन से रिलेटेड थे, यानी कि कौन सी दो मैगजीन्स इनसे एसोसिएटेड थी, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो विच टू मैगजीन्स वर एसोसिएटेड विद विलियम मेकपीस टेकरे, तो आप उसमें बोलेंगे एक तो फ्रेजर मैगजीन होगी, और दूसरा फ्रेजर्स मैगजीन, और दूसरा यहाँ पे पंच करके थी, PUNCH पंच करके। तो और इसके अतिरिक्त बात करें, तो ये किस टाइप की इनकी राइटिंग शैली थी? ही हिज राइटिंग वॉज फिल्ड विद विट, ह्यूमर। इनकी राइटिंग में आपको वेट देखने को मिलता था, ह्यूमर देखने को मिलता था, और सेटायर, सेटायरिस्ट भी थे, सेटायर भी करते थे, और इसके अतिरिक्त सेटायर एंड पैथोज, पैथोज में भी लिखा करते थे, ठीक। ये इनकी राइटिंग के बारे में हमने बताया, तो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से इनके बारे में। अब स्टार्ट करते हैं अपने जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको, ठीक है। और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी नॉलेज होगी वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो इसके अतिरिक्त मैं बताऊँ तो साइंग्लिश क्लासेस जो है एक छोटा सा चैनल है यूट्यूब पे, इतना अभी
बोलूँ तो ग्रो भी नहीं हो रखा है अच्छे से, तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं थंबनेल पे ज़्यादा काम नहीं करता, मैं टैग्स पे ज़्यादा काम नहीं करता, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना ग्रो हो रखा है, कितने लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि मैंने जब वीडियो बना दी है तो धीरे धीरे वो वायरल तो होगी होगी। और ये मेरा आपसे वादा है, आज एक छोटा चैनल बेशक हो लेकिन आने वाले समय में हर किसी की पसंद बनेगा, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाएगा। और एटलीस्ट 133 वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं, ऐसे भी चैनल हैं जो 5-10 वीडियो में ही चैनल को ग्रो कर देते हैं, लेकिन हम उस पर काम न करते हुए हम क्वालिटी पे काम करते हैं, हम कंटेंट पे काम करते हैं, तो वो काम हमारा नहीं है। ऑलरेडी हमारी वीडियोज़ अगर पसंद आएंगी तो अपने आप ही चैनल ग्रो भी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लाइक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको पसंद आती है तो आप कीजिएगा, नहीं आती है तो कोई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हेन वाज विलियम मेकपीस ठेकरे बोर्न? तो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही बता दिया, मेकपीस ठेकरे का जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1881 को हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, वेयर वॉज विलियम मेकपीस ठेकरे बोर्न? तो कहाँ इनका जन्म हुआ था विलियम मेकपीस ठेकरे का? तो कैलकटा में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया कैलकटा, हम बता चुके हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इनके बारे में ब्रीफ इंट्रो दे चुके हैं। विच कॉलेज डिड विलियम मेकपीस ठेकरे अटेंड? विलियम मेकपीस ठेकरे ने कौन सा कॉलेज अटेंड किया? तो ट्रिनिटी कॉलेज है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ट्रिनिटी कॉलेज इन्होंने अटेंड किया था, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। वेयर ही कंट्रीब्यूटेड टू अ लिटिल पेपर? जहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट भी किया एक लिटिल पेपर कॉल्ड स्नॉप, उस पेपर का नाम क्या कहा गया? स्नॉप करके, SNOB करके, स्नॉप करके, जहाँ पे इन्होंने एक कंट्रीब्यूट किया था टू अ लिटिल पेपर कॉल्ड स्नॉप, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वेयर डिड विलियम मेकपीस ठेकरे स्टडी लॉ? तो स्टडी इन्होंने यानी कि लॉ की स्टडी कहाँ से की? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मिडिल टेम्पल, फोर्थ का बी हो जाएगा, मिडिल टेम्पल से। इसके अतिरिक्त अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन वैनिटी फेयर? वैनिटी फेयर में मेन कैरेक्टर कौन है? बैकी शार्प हैं, बैकी शार्प यहाँ पे मेन कैरेक्टर हैं। और इसके अतिरिक्त बात करें वैनिटी फेयर की, वैनिटी फेयर को ही अ नोवेल विदाउट अ हीरो भी कहा जाता है, नोवेल विदाउट अ हीरो। नोवेल विदाउट अ हीरो क्यों कहा जाता है, इसका सब टाइटल क्यों दिया गया? क्योंकि ये एकमात्र, ये बात करें तो एक ऐसा नोवेल है जिसमें कोई भी हीरो नहीं है, यानी कि आप बात देखना यहाँ पे कैरेक्टर्स बैकी शार्प हों या एमिलियो या कोई और भी कैरेक्टर हों, तो सब के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रोटेगनिस्ट यानी कि कोई किसी भी हीरो का जिक्र यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कहीं पे भी किसी भी मूवी में कोई ना कोई हीरो होता है तो उसके उससे रिलेट उसके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं, उसके लिए स्टोरीज आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, तो आप उनको सुनिए और उससे आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, वैनिटी फेयर के बारे में। वैनिटी फेयर को ही एक और नाम से भी जाना जाता है, जो कि पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी करके है, पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी करके। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हेन डिड विलियम मेकपीस ठेकरे राइट द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड? तो ये कब लिखा था इन्होंने? 1852 में। डी आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैगजीन डिड विलियम मेकपीस ठेकरे फाउंड एंड एडिट? तो कौन सी मैगजीन को इन्होंने फाउंड किया था और एडिट किया था? तो यहाँ पे कौन सी मैगजीन हो जाएगी? कॉर्नहिल मैगजीन हो जाएगी, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। कॉर्नहिल मैगजीन के बारे में मैं बताऊँ तो कब इन्होंने वो किया था इसके एडिटर के रूप में, तो इसकी एडिटरशिप इन्होंने ली थी कब? 1859 में, 1859 में ही टुक ऑन द एडिटरशिप ऑफ द कॉर्नहिल मैगजीन इन 1859। और अगर बात करें जो दूसरी मैगजीन थी फ्रेजर्स मैगजीन, तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया था, इन्होंने पहले यानी कि प्राइमरली उसमें वर्क किया था, तो वो कब किया था? 1837 में किया था। इन 1837 में इनकी बात करें तो फ्रेजर मैगजीन, 1859 में कॉर्नहिल मैगजीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन जो है एट्थ क्वेश्चन, विच नोवेल ऑफ विलियम मेकपीस ठेकरे इज अबाउट क्राइम? क्राइम के बारे में कौन सा नोवेल है इनका? तो इनका क्राइम के बारे में जो नोवेल है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कैथरीन करके हो जाएगा। कैथरीन जो नोवेल है ये इनका क्या हो जाएगा, किसके बारे में है? क्राइम के बारे में। तो अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9th, When did William Makepeace Thackeray die? तो इनकी मृत्यु कब हुई यह हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 24 दिसंबर 1863 को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ हुई थी? लंदन में। Where did William Makepeace
थैकरे डाई, लंदन, ऑलरेडी टोल्ड, पहले ही बता चुका हूँ इस क्वेश्चन का आंसर लंदन में हुई थी। तो ये थे 10 क्वेश्चंस। अब इसके बाद आगे जो क्वेश्चंस हैं उनका सीरियल नंबर इस पे ध्यान नहीं देना है, 11th क्वेश्चन है ये, 12th इसको मान लेंगे हम, तो ये 13th हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर को आगे बढ़ाते जाएंगे इसका सीरियल, ठीक है। ठेकरे वॉज बोर्न इन इंडिया, कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था, मैं बता चुका हूँ कैलकाटा में, तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है जो 12th क्वेश्चन है, विच पीरियोडिकल और मैगजीन डिड ठेकरे ज्वाइन टू अर्न हिज लिवलीहुड, तो कौन सी मैगजीन थी, तो मैगजीन आपकी यहाँ पे हो जाएगी ट्रेजर्स मैगजीन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेजर मैगजीन कब किया था, 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th हो जाएगा, विच नोवेल ऑफ ठेकरे ब्रॉट हिम यूनिवर्सल एक्लेम एज अ नोवेलिस्ट, तो नोवेलिस्ट के रूप में इनको फेमस किया था, यानी कि कौन सा वर्क था वो मैं बताऊँ तो यहाँ पे वो आपका हो जाएगा बी, वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर का ही जो सब टाइटल है, और नोवेल विदाउट अ हीरो करके है, और नोवेल विदाउट अ हीरो 37 की एज में इन्होंने इसको लिखा था, 37 की एज में, यानी कि आप लगा सकते हैं 37 प्लस 11, 1811 में इनका जन्म हुआ था, तो 1848 के आसपास इन्होंने ये वर्क कंप्लीट कर दिया था अपना, ठीक है, पब्लिश हो गया था, बताऊँ तो 1848 टू 49 करके आपको इसकी डेट मिलेगी। इसका अगर दूसरा टाइटल अगर बात करें तो मैंने क्या बताया, पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, इसको मैं बार बार बता चुका हूँ। और हेनरी जेम्स थे, एक हेनरी जेम्स ने इसी नोवेल के लिए क्या कहा था, लूज बैगी मॉन्स्टर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लूज बैगी मॉन्स्टर करके, लूज बैगी मॉन्स्टर्स, लूज बैगी मॉन्स्टर्स करके, ठीक है, ये इन्होंने हेनरी जेम्स ने इस नोवेल के लिए कहा था, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लूज बैगी मॉन्स्टर करके कहा था उन्होंने, ठीक है। और इसकी सेटिंग क्या थी, नेपोलियन वॉर थी, वैनिटी फेयर की सेटिंग क्या थी, नेपोलियन वॉर थी, और थीम इसकी थी, सेटराइज किया था इसको, सेटायर था 19th सेंचुरी की जो सोसाइटी है, सेटायर था किस पे, सेटायर किस पे था, 19th सेंचुरी की जो सोसाइटी है, 19th सेंचुरी की सोसाइटी पे ही ये सेटायर था, नेपोलियन वॉर इसकी थीम है, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और इसका जो टाइटल है, अ नोवेल विदाउट अ हीरो, यानी कि कहाँ से लिया गया है इसका जो टाइटल है, टाइटल टेकन फ्रॉम पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, पिलग्रिम प्रोग्रेस से लिया गया है, जो कि किसका है, बनियन का, कब पब्लिश हो रखा था, 1678 में, एलेगोरिकल वर्क है। एलेगोरिकल वर्क क्या होता है, जिसमें किसकी बात की जाती है, यानी कि किसकी बात की जाती है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूं मैं, जो अच्छाई और बुराई का प्रतीक होता है इस टाइप से, अच्छाई का गुडनेस का अगर हम बात करें तो रामायण में तो राम जी हो गए, और इविल की बात करें तो रावण, तो एलेगोरिकल वर्क था ये, ठीक है, पिलग्रिम प्रोग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से इसका टाइटल लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, बेकी शार्प एंड सैडली आर द कैरेक्टर्स फ्रॉम ठेकरीज, तो ये बेकी शार्प वगैरह हम ऑलरेडी बता चुके हैं, वैनिटी फेयर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनफिनिश्ड वर्क ऑफ ठेकरी, ठेकरी का अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 107 का कौन सा हो जाएगा, डी, डेनिस ड्यूवल करके, डेनिस ड्यूवल करके अनफिनिश्ड नोवेल है इनका, डेनिस ड्यूवल करके इनका अनफिनिश्ड नोवेल है। कब ये पब्लिश हुआ था, 1864 में हुआ था, 1864 में ये पब्लिश हुआ था, डेनिस ड्यूवल, 1863 में इनकी डेथ हो जाती है इसलिए अनफिनिश्ड रह जाता है, ठीक है, 1863 में डेथ हो जाती है इसलिए अनफिनिश्ड रह जाता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इनकी लाइफ स्पैन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वर्क, इन विच ऑफ द ठेकरीज नोवेल्स आर द प्रोटेगनिस्ट इज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, इंडियन आर्मी ऑफिसर होता है कौन से नोवेल में इनकी, तो कौन सा नोवेल है, दी न्यू कॉमर्स हो जाएगा यहाँ पे, ए ए करेक्ट हो जाएगा, दी न्यू कॉमर्स, दी न्यू कॉमर्स में जो है, जो क्या है यहाँ पे, जो प्रोटेगनिस्ट है वो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर है, न्यू कॉमर्स की बात चल रही है यहाँ पे। और न्यू कॉमर्स की अगर पब्लिकेशन की बात करूँ तो ये तो इसका जॉनर क्या है, ट्रेजिक नोवेल है, ये क्या है, ट्रेजिक नोवेल है, और ये कब पब्लिश हो रखा था, 1853 टू 55, 1853 टू 1855, ये इसके पब्लिकेशन की डेट है, ठीक है, ईयर है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे,
109 करके आप देख लीजिएगा, टोटल 23 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन मायने नहीं रखते हैं क्योंकि हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी उनसे रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे 109 पे है, दी नेम द नोवेल ऑफ द ठैकरीज विच इज़ द सिक्वल ऑफ हेनरी एस्मोंड। सिक्वल बताना है उस, यानी कि ठैकरी का कौन सा वर्क है जो हेनरी एस्मोंड का सिक्वल है। हेनरी एस्मोंड जो कि 1852, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसका सिक्वल है, तो वो बताना है यहाँ पे। तो सिक्वल कौन सा है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, दी वर्जीनियंस करके हो जाएगा। क्या है, दी वर्जीनियंस करके, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दी वर्जीनियंस जो कि कब पब्लिश हो रखा है, 1859 में पब्लिश हो रखा है दी वर्जीनियंस, और ये क्या है, सिक्वल ऑफ हेनरी एस्मोंड। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा है, और इसके बारे में बात करें तो इसकी जो सेटिंग है, हेनरी एस्मोंड विद इट्स सेटिंग इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड एंड नॉर्थ अमेरिका, इसकी सेटिंग है 18th सेंचुरी इंग्लैंड एंड नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है हमें 110, यानी कि 110 करके दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपको खुद वो करना है। द टाइटल ऑफ द नोवेल वैनिटी फेयर इज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, बनियन, जॉन बनियन के पिलग्रिम प्रोग्रेस से लिया गया है, जो कि कब पब्लिश हो गया है, 1678 में पब्लिश हो रखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ ठैकरीज वैनिटी फेयर, वैनिटी फेयर का सब टाइटल क्या है, तो सब टाइटल है इसका अ नोवेल विदाउट अ हीरो, अ नोवेल विदाउट अ हीरो है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है, और जो वैनिटी फेयर है ये कब पब्लिश हो रखा है, इसके बारे में मैंने बताया था, यानी कि 1848 इसकी पब्लिकेशन डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स की बात करूँ तो वैनिटी फेयर में एमी सैडले करके है, एमिलिया जिसको बोला जाता है, इसके अतिरिक्त बैकी सार्प हैं, रिबेका करके इनका नाम है, जॉर्ज ऑसबॉर्न करके हैं, विलियम डॉबलिन हैं, पिट क्रॉले हैं, रॉडन क्रॉले, इसके अलावा मिस मैटिल्डा, सन पिट, लेडी जेन करके, तो आप करेक्टर्स की लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग क्लोजिंग लाइन क्या है, लास्ट लाइन इसकी क्या है इस वैनिटी फेयर की, विच ऑफ अस इज हैप्पी, विच ऑफ अस इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, हम में से कौन खुश है इस संसार में, कहने का मतलब विच ऑफ अस इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, बीट्रिक्स इज द करेक्टर इन ठैकरीज, ठैकरी के कौन से वर्क में बीट्रिक्स करेक्टर है, तो यहाँ पे हेनरी एस्मोंड करके बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है, विच वर्क ऑफ ठैकरे इज द कॉमिक रोमांटिक चिल्ड्रन स्टोरी, कॉमिक रोमांटिक चिल्ड्रन स्टोरी है कौन सा वर्क यहाँ पे ठैकरे का, तो यहाँ पे दी रोज एंड दी रिंग करके हो जाएगा, सी ऑप्शन दी रोज एंड दी रिंग करके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हिस्टोरिकल नोवेल, इज एन हिस्टोरिकल देखा है यहाँ पे, इज अ हिस्टोरिकल नोवेल रिटन बाय ठैकरे, ठैकरे के द्वारा हिस्टोरिकल नोवेल कौन सा लिखा गया था, हेनरी एस्मोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ ठैकरे, ठैकरे का वर्क नहीं है कौन सा इसमें से, तो पेरिस स्केच बुक ये इनका है, राउंड अबाउट पेपर्स इनका वर्क है, और फिज बूडल पेपर्स भी इनका वर्क है, और म्यूचुअल फ्रेंड जो है इनका नहीं है, ये चार्ल्स डिकिन्स का है। ये किसका वर्क है, चार्ल्स डिकिन्स, जो कि विक्टोरियन एज के ही हैं, 1865 में ये पब्लिश हो रखा था। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, जो हमारे 23 क्वेश्चन थे उसमें से आपने कितने अंक प्राप्त किए, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।